भारत के शांति पर्व में तीन उपपर्व हैं। राजधर्मानुशासन नामक प्रथम उपपर्व की संक्षिप्त कथा वस्तु में राजधर्म के परित्याग का निश्चय करने वाले राजा युधिष्ठिर को उनके धर्म अथवा कर्तव्य के महत्व के विषय में बताया जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार राजा युधिष्ठिर को उनके स्वभाव अर्थात क्षत्रिय धर्म के आधार पर दी गई धर्म और कर्तव्य के पालन की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है। युद्ध में अपने कुटुंबियों के विनाश से विह्वल युधिष्ठिर वानप्रस्थी एवं सन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निश्चय करते हुए अनेक तर्क देते हैं और राजधर्म पालन की अपेक्षा वानप्रस्थ जीवन को उत्तम बताते हैं, जिसके पश्चात अर्जुन उन्हें कर्तव्य का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार सारा संसार अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, उसी प्रकार आपको भी अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य को छोड़कर बैठ जाता है, उसे कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म के पालन तथा गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता बताते हुए ऋषि कहते हैं कि वेदों में तीन सनातन मार्ग बताए गए हैं, जिनका पालन सभी गृहस्थियों को करना चाहिए। इसमें प्रथम है देव समूह और पितृ समूह का यजन अर्थात उनकी सेवा, संगति और सत्कार करना, तथा ब्रह्मवंश अर्थात शास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों की तृप्ति। जो इन तीन मार्गों का परित्याग करके किसी और कर्म अथवा मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे वेद विरुद्ध मार्ग का अनुकरण करते हैं। गृहस्थ धर्म तथा कर्म की प्रशंसा करते हुए राजधर्मानुशासन उपपर्व में कहा गया है कि अभिमान कृतम कर्म नैतत् फलवद् उच्यते त्यागयुक्तम महाराज सर्वमेव महाफलम। कर्म यदि अभिमान पूर्वक किया जाए तो वह सफल नहीं होता, जबकि त्याग पूर्वक किया हुआ सारा कर्म ही महान फलदायक होता है। गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं, पितरों तथा अतिथियों के लिए किए जाने वाले आयोजन की प्रशंसा की जाती है। केवल गृहस्थ में ही धर्म, अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं। तपस्या को श्रेष्ठ बताते हुए ऋषि कहते हैं, तपः श्रेष्ठं प्रजानां हि मूलमेतन्न संशयः कुटुंब विधिनानेन यस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम्। अर्थात तप श्रेष्ठ कर्म है और गृहस्थ धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। किसी के प्रति ईर्ष्या न होना, सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित होना आदि गृहस्थों के लिए पंच यज्ञों का पालन ही सबसे बड़ा तप माना गया है। अतः न केवल व्यक्ति विशेष अपितु सभी को अपने धर्म के अनुसार ही कर्तव्य करना चाहिए। यही तपस्या है, यही सिद्धि का सबसे बड़ा साधन है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा और महाभारत में उल्लिखित नैतिक शिक्षा भी है। लता वशिष्ठ, DD न्यूज़।